उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सत्रिक इलाके में इंडियन बैंक नेवली शाखा में कई ग्रामीणों के बैंक खाते खुलवाकर करीब करोड़ों रुपए की ठगी का मामला जो है सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने बैंक खाता खुलवाने वाले एक क्षेत्रीय युवक और बिहार के दो गैंग लीडरों को भी अब अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनके पास से दो डेबिट कार्ड, दो फर्जी आधार कार्ड, चार मोबाइल फोन और करीब 4,930 रुपए भी बरामद हुए हैं। करोड़ों रुपए की इस ठगी के मामले की जानकारी देते हुए जैतपुर थाना पुलिस ने बताया कि मेहंदीपुर के अंश पटेल, बरौली मलिक के सुरेंद्र कुमार और गगहा मऊ के सत्यम यादव ने पुलिस को खबर दी कि ताहीपुर में राम मिलन ने उन लोगों से कल 29 नवंबर को इंडियन बैंक के नेवली शाखा में खाता खुलवाने को कहा था। उनका कहना था कि इस बैंक में खाता खुलवाने से सभी सरकारी स्कीमों का लाभ उन्हें मिलेगा। इसके बाद उन लोगों ने उनसे के आधार कार्ड, फोटो और पैन कार्ड ले लिए और इंडियन बैंक नेवली में खाता खुलवा दिया। उन्होंने आगे बताया कि उन लोगों ने बैंक में मिले डेबिट कार्ड अपने पास रख लिए और उनकी ही आईडी पर एक सिम कार्ड भी खरीद लिया। सत्यम ने पुलिस को बताया कि 8 दिसंबर को बैंक शाखा प्रबंधक ने उन लोगों से संपर्क किया और कहा कि आप लोगों के बैंक खातों में से एक दिन में 60 से 80 बार ऑनलाइन रुपए आ रहे हैं और उन रुपयों को दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर भी किया जा रहा है। इसके बाद बैंक के डेबिट कार्ड और मोबाइल नंबर चेक किए गए तो पता चला कि ये सब खाते खुलवाने वाले ताहीपुर के राम मिलन के पास है। इसके बाद मामला सत्रिक थाने पहुंचा और सत्यम की तहरीर पर राम मिलन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन के दौरान जब CDR की जांच की तो राम मिलन से संपर्क करने वाले बिहार के एक गैंग से होने का भी पता चला। इसके बाद सर्विलांस व साइबर सेल की मदद से ताहीपुर के राम मिलन व गैंग लीडर बिहार के नालंदा जिले के थाना रही के हुसैनपुर के चंदन कुमार व मलिया के तुलसी कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।